दुर्योधन की माता गांधारी का विवाह जब नेत्रहीन धृतराष्ट्र के साथ हुआ था, तब गांधारी ने अपने नेत्रहीन पति की तरह ही अपनी आंखों पर भी पट्टियां बांध ली थी। गांधारी का इतना बड़ा त्याग एक बड़ी ही कठोर तपस्या की तरह था। और जब गांधारी के पुत्रों और पांडवों के बीच युद्ध निश्चित हो गया था, तब हर माँ की तरह गांधारी ने भी उस नेत्रहीन रहने की तपस्या का फल अपने पुत्र दुर्योधन की सुरक्षा के लिए प्रयोग करना चाहा था। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र दुर्योधन को यह संदेश भिजवाया था कि वह अपनी माता के कक्ष में निर्वस्त्र आए, वह उन्हें देखना चाहती हैं। इस बात की खबर जब भगवान कृष्ण को पता चली तो वह तुरंत दुर्योधन के पास आए और उसे समझाते हुए बोले कि एक युवा पुत्र को अपनी माता के सामने निर्वस्त्र जाते हुए शोभा नहीं देता है, और तुम्हारी माँ ने तुम्हें बगैर वस्त्र के बुलाया है, इसलिए कोई वस्त्र मत पहनो, परंतु एक केले के पत्ते से अपने कमर के नीचे के हिस्से को छुपा लो। भगवान कृष्ण की यह बात दुर्योधन को भी सही लगी, क्योंकि जिस माँ ने उसे जन्म से आज तक नहीं देखा था, वह पहली बार उसे युवा अवस्था में निर्वस्त्र देखे, यह बात ठीक नहीं है। इस कारण वह अपने कमर में केले का पत्ता लपेटकर अपनी माता के सामने आ गया। गांधारी ने दुर्योधन को अपने सामने बगैर वस्त्रों के इसलिए बुलाया था कि उसकी तपस्या के फल से उसके पुत्र का सारा शरीर लोहे के समान हो जाए, परंतु केले का पत्ता लपेटने के कारण दुर्योधन के शरीर का वह हिस्सा कमजोर रह गया था। और भगवान श्री कृष्ण ने भीम से दुर्योधन की कमर पर ही वार करके उसे घायल करवाया था। गदा युद्ध में कमर के नीचे वार करना नियम के विरुद्ध होता है। दुर्योधन की मृत्यु तभी हो सकती थी जब उसको बहुत खुशी के साथ बहुत बड़ा दुख मिले, इसीलिए वह कई दिनों तक युद्ध भूमि में कराहता हुआ पड़ा रहा था। एक रात जब दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा आया और दुर्योधन के सामने पांच कटे सर रखकर बोला कि वह पांचों पांडवों का सर काट के लेके आया है, तब दुर्योधन को बहुत खुशी हुई थी। परंतु जब उसे पता चला कि यह पांचों सर पांडवों के नहीं बल्कि द्रौपदी के पांच पुत्रों के हैं, तब उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ था। और तब बहुत ज्यादा खुशी और बहुत ज्यादा दुख होने के कारण दुर्योधन को मृत्यु प्राप्त हुई थी। परंतु मरने से पहले दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा था कि हे अश्वत्थामा, इतिहास इस बात को याद रखिएगा कि दुर्योधन को भीम ने नहीं बल्कि अश्वत्थामा ने मारा है।